इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। गरीबी रेखा के 120 हितग्राहियों ने अधिकारियों पर रिश्वत लेकर आवास आवंटन का आरोप लगाया है और मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर से प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार की शिकायत की। रहवासियों का आरोप है कि उन्हें मकान का अलॉटमेंट किया जा चुका है, लेकिन अब दलील ये दी जा रही है कि मकान खाली नहीं है। वहीं नगर निगम कमिश्नर का ये कहना है कि किश्त जमा नहीं होने की वजह से हितग्राहियों को अलॉटमेंट नहीं किया गया, जबकि कई ऐसे लोग दस्तावेज लेकर नगर निगम कमिश्नर से शिकायत कर चुके हैं कि उन्हें अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया गया और किश्त भी जमा की गई। मैं सर से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमें आप किसी भी तरीके से लोन पास करवाइए, हम लोन भरने को तैयार हैं, किस्त हम भरेंगे। हमारा 75,000 रुपये मेरा हो रहा है, 75 से 80,000 रुपये मुझे देना है जो मैं देऊंगी। अल खान है, मैं रामनगर रत्नगिरी रायसन रोड में रहता हूँ। हमें इतनी परेशानी, हमारे घर पर लाइट नहीं है बिल्कुल, और आजू बाजू जंगल बना दिया, उसके द्वारा घरों में सांप बिच्छू घुस रहे हैं। और हमारा मेन कारण ये है, कोकता में हमें मकान अलॉट किया गया था, उसकी मार्जिन मनी 20,000 जमा भी कर दी गई थी, और हमसे बोला था ये आपका मकान है ये है, फिर हम चाबी मिल जाएगी, फिर इसके बाद बोला गया कि वो मकान फुल होगा, 5.5 लाख में बेच दिएगा। इधर राजधानी